नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में एक नई औषधि, एक नई बीमारी का इलाज लेकर के। जी हां दोस्तों, घुटनों में पानी ये एक आम समस्या है। दोस्तों, इसका उत्तम इलाज सिर्फ दो औषधियों के जरिए आज हम आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, घुटनों को साधारण रूप से काम करते रहने के लिए पर्याप्त तरल की आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा तरल पदार्थ भी सही नहीं होता है। कई बार घुटनों में सूजन और जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, जिसे आम लोगों के द्वारा घुटनों में पानी का नाम दिया जाता है। घुटनों में पानी भरने के कई वजह सामने आए हैं दोस्तों, इससे कई बीमारियां लगने का भी डर होता है। अगर घुटनों में पानी भरने का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो आगे चलकर रोगी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। दोस्तों, आइए आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों में दर्द है, यानी कि किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो गठिया की वजह से हो, ट्यूमर की वजह से हो, या इन्फेक्शन की वजह से हो, या किसी अन्य वजह से हो, तो कैसे उसे दूर करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको सामग्री बताते हैं। दोस्तों, ताजे अंडे कई जर्दी, एक चम्मच नमक। अब इसे प्रयोग करने की विधि, दोनों औषधियों को मिलाकर दर्द प्रभावित जगह पर लगाएं और उसे किसी बैंडेज से कवर कर लें। हर दो घंटे के बाद मिश्रण और बैंडेज को बदलते रहें तथा ताजे अंडे का प्रयोग करें। दिन में 5 बार इस इलाज को आजमाएं, आपके घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको क्या करना है, एक जर्दी ताज़ा अंडा लेना है और एक चम्मच नमक लेना है। अंडे में नमक को मिक्स कर लीजिए और घुटने पर उस लेप को लगाकर पट्टी बांध दीजिए। दोस्तों, उस पट्टी को हर 2 घंटे बाद चेंज करते रहिए। दोस्तों, इस प्रक्रिया को दिन में 5 बार करें, इससे आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। दोस्तों, यानी कि घुटनों में भरा हुआ पानी ख़त्म हो जाएगा, आपके घुटनों को राहत मिलेगी। दोस्तों, अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया नुस्खा लेकर के। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।